आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी अभिभावकों का स्वागतम एवं अभिवादन। कक्षा उदय विषय विज्ञान प्रयोगशाला प्रकरण डूबने व तैरने वाले पदार्थ। आज हम लोग एक प्रयोग करेंगे जिसमें डूबने वाली वस्तुएं व तैरने वाली वस्तुएं होगी। आप देख रहे हैं ये रील है, ये कागज है, ये कपड़ा है, ये लकड़ी ले सकते हैं या ये पेंसिल है, ये ढक्कन है और ये पेड़ के पत्ते हैं, ये इरेजर है, रबड़, ये ताला है, ये चाबी है और ये कील है, थोड़े पेच है और ये पत्थर है और ये पानी की गिलास है। अब आज हम लोग आपको प्रयोग करके दिखाएंगे, आप भी बालकों को ऐसे ही प्रयोग कराना। देखिए ये है रील, क्या है ये रील, रील को क्या करेंगे पानी के अंदर डालेंगे, पानी के अंदर डालते, क्या हो रहा है ये रील, क्या हो रहा है पानी के अंदर डाले, क्या हुआ, तैर रही है ये, डूब गई, बताओ तैर रही है ना, बहुत अच्छे। फिर देखो ये क्या है, कागज है ना, ये कागज है, कागज को पानी में डालेंगे, क्या हो रहा है ये भी, कागज क्या हो रहा है पानी में, तैर रहा है या डूब गया, देखो क्या हो रहा है, कागज तैर रहा है, हाँ तैर रहा है, ठीक है ना। फिर ये कपड़ा, क्या है ये कपड़ा, कपड़े को डालेंगे ये पानी में, क्या हो रहा है, देखो कपड़ा पानी में तैर रहा है ना, बहुत अच्छे। फिर देखो ये क्या है, पेंसिल ले सकते हैं आप, चाहे लकड़ी भी ले सकते हैं, इसको पानी में डालते हैं, ये क्या कर रही है, तैर रही है, ये छोटा है, ये ढक्कन डालते हैं, देखो ये भी क्या हो रहा है, देखो तैर रहा है, ये क्या है पत्ते, क्या है ये पेड़ के पत्ते जो आपको अवेलेबल है, अभी बहुत बारिश हो रही है, सब जगह ऐसे पत्ते हो रहे हैं, तो आप इसको पत्ते को ऐसे पानी में डालेंगे, देखिए पत्ता क्या हो रहा है, तैर रहा है ना, वेल। फिर देखिए ये इरेजर, रबड़, पेंसिल से लिख के कॉपी में आप लोग साफ करते ना, वो ये रबड़ है, इरेजर बोलते हैं इसको, इसको पानी में डालेंगे, कहाँ गया इरेजर अपना, देखो पानी के अंदर, देखो डूब गया है ना, ये क्या है ताला, ताले को क्या करेंगे हम लोग, पानी में डाला ऐसे, हाँ क्या हुआ, पानी के अंदर गया, बुलबुले उठे और पानी के नीचे सतह पे जाके रुक गया। यह चाबी, क्या है ये सब चाबियाँ, चाबी को हम लोग पानी के अंदर डालेंगे, देखिए क्या हुआ, चाबी कहाँ गई, चाबी अंदर पानी के नीचे चली गई है ना। फिर देखिए ये क्या है, ये कील है, ये पेच होते हैं जो हम दीवार पे लगाते ना, तस्वीर वगैरह लगाने के लिए, कैलेंडर टांगने के लिए, वो ये इसको हम लोग पानी में डालते हैं, देखो ये कहाँ गई, कहाँ गई कील, देखो ये, देखो पेच, ये भी कहाँ गया, सतह के नीचे डूब गया। ये पत्थर, क्या है ये पत्थर, पत्थर को डालेंगे हम लोग पानी में, यहाँ कहाँ गया पत्थर, पानी के अंदर नीचे चला गया पत्थर है ना, देखिए देखो दिख रहा है सबको, तो आपने अभी ये सब देखा प्रयोग, डूबने व तैरने वाले पदार्थ। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि हल्की वस्तुएं तैरती हैं वह भारी वस्तु डूब जाती है, हल्की वस्तु तैरती है पानी के ऊपर ऊपर और जो भारी वस्तु होती है वो पानी के अंदर डूब जाती है। जब आप बालकों को ये प्रयोग करवाएंगी सभी माताएं, तो बालक स्वयं बता देंगे आपको कि ये वस्तु डूब रही है और ये तैर रही है, ये डूब गई है और ये वाली तैर रही है, ठीक है ना। बच्चों को ये ज्ञान हो जाएगा कि डूबती कौन सी है और तैरती कौन सी है, भारी वस्तु होती है वो डूब जाती है और हल्की वस्तु होती है वो तैरती है।
तो आप लोग अपने बालकों को ये प्रयोग जरूर करवाएं और हमें वीडियो बनाकर वापस भेजें। खेल खेल द्वारा हम लोग इसको कार्य करते हैं। ये सब स्कूल में भी हम लोग भैया बहन को घर जैसा वातावरण देकर खेल खेल पद्धति द्वारा शिक्षण कराया जाता है। शिशु वाटिका में इसी खेल पद्धति द्वारा सभी तरह के विषयों का ज्ञान कराया जाता है। ये भी बड़ा विषय है विज्ञान प्रयोगशाला। जो बड़े बड़े क्लास में बच्चे सीखते हैं वही विज्ञान वही ये प्रयोग छोटे भैया बहन छोटे क्लास में ही सीख लेते हैं। जब बड़ी क्लास में आते हैं तो इनको एकदम से जल्दी से ज्ञान हो जाता है, इसलिए शिशु बहुत ही जल्दी सीखते हैं। और आप भी प्रयास करें, बालकों को ये वीडियो बनाएं और हमारे पास भेजें। खेल पद्धति द्वारा सभी शिक्षण आप भी करवाएं घर पे अपनी घरेलू वस्तुएं द्वारा। धन्यवाद।